तो जैसा कि अगर आप रियलमी का डिवाइस यूज करते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है सभी डिवाइस को मतलब जो जो एलिजिबल होती है उसको यहाँ पे एंड्रॉइड जो है यहाँ पे 10 से 11 में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, रियलमी वाई 1.0 से रियलमी वाई 2.0 में जो कन्वर्ट किया जा रहा है। अब ऐसे में जितने भी यहाँ पे फीचर्स है उसमें हमको कुछ अपडेटेड जो है वर्जन देखने को मिलता है, कुछ अपडेटेड नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आपके डिवाइस में गेम असिस्टेंट का यहाँ पे ऑप्शन है तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है मतलब Realme UI 1.0 के बाद अगर Realme UI 2.0 का अपडेट मिलता है तो उसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए हैं और इम्प्रूवमेंट किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं, ठीक है, दोनों का मैं कंपेरिजन बताने वाला हूँ। Realme UI 1.0 में क्या मिलता है, Realme UI 1.0 से जब आप 2.0 में जाते हैं मतलब कि एंड्रॉइड यहाँ पे 10 से एंड्रॉइड 11 में जाते हैं तो आपको उसके कंपेरिजन में क्या मतलब नया फीचर जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं ऑफिशियल प्रूफ के साथ जो है बात करने वाला हूँ इसी वीडियो के थ्रू जो है गेम असिस्टेंट को लेकर रियलमी के डिवाइस में। तो गेम असिस्टेंट अगर आप यूज करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छी यहाँ पे गुड न्यूज होने वाली है। मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गेम असिस्टेंट को लेकर रियलमी वाई 1.0 एंड 2.0 के लिए, दोनों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। एंड साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एंड्रॉइड के वर्जन हमको चेंजेस जो है देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसे में यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं जो हमको एंड्रॉइड 10 में देखने को मिलता है तो जब एंड्रॉइड 11 में देखने को मिलता है तो उसमें क्या कुछ जो है कुछ मतलब चेंज किए जाते हैं या फिर सिमिलरली हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका बहुत बड़ा यहाँ पे डाउट जो है क्लियर होने वाला है क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ कुछ फीचर्स आपके यहाँ पे माइंड में ये रहता हो कि पता नहीं जो यहाँ पे एंड्रॉइड 10 में जो फीचर मिलते हैं वही अगर हमको एंड्रॉइड 11 आ जाए तो उसमें कुछ यहाँ पे दोनों में कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको गेम असिस्टेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं और जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो रियलमी की तरफ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। यहां पे एंड्रॉइड 10 में मतलब कि यहां पे रियलमी वाई 1.0 में एंड रियलमी वाई 2.0 में मतलब कि यहां पे एंड्रॉइड 11 में दोनों में मेन क्या मतलब कुछ डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो चलिए यहां पे मैं आपको सबसे पहले रियलमी का ऑफिशियल जो है फीडबैक दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो है किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं, ठीक है, रियलमी वाई 1.0 एंड 2.0 में, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हैं रियलमी वाई 1.0 में हमको गेम असिस्टेंट का यहाँ पे ऑप्शन जो है देखने को मिला था। तब ऐसे में रियलमी की तरफ से खुद यहाँ पे जो है आंसर जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है गेम असिस्टेंट को लेकर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए रियलमी वाई 2.0 के कंपेरिजन में जो यहाँ पे रियलमी वाई 2.0 में जो भी यहाँ पे मतलब अपडेट आया है उस अपडेट में यहाँ पे कुछ चेंज लॉग कुछ फीचर यहाँ पे चेंज किया गया है कि नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज को मेंशन किया गया है, ठीक है, कि Realme UI 2.0 में यहाँ पे चेंज किया गया है क्योंकि यहाँ पे क्विक स्टार्ट जो फंक्शन है उसको यहाँ पे इसका सपोर्ट जो है यहाँ पे Realme UI 2.0 में जो है एड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस जो है किया गया है यहाँ पे जो है गेम यहाँ पे सेंटर में या फिर गेम असिस्टेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रियलमी का डिवाइस यूज करते हैं और गेम असिस्टेंट यूज करते हैं तो वहां पे जो रियलमी वाई 1.0 का आपको गेम असिस्टेंट मिलता है उसमें नॉर्मली आपको यहाँ पे क्विक स्टार्ट का जो फंक्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पे अगर हम आपके डिवाइस में रियलमी वाई 2.0 आ जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं गेम असिस्टेंट को लेकर एक यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा जो कि क्विक स्टार्ट का है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे अपडेटेड वर्जन जो है प्रोवाइड करवाया गया है, अपडेटेड फीचर्स जो है प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ओवर अगर हम बात करें एंड्रॉइड 10 से 11 में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको फीचर गेम असिस्टेंट को लेकर मिलता है देखने को, ठीक है। और आप कमेंट में बताइएगा आपको गेम असिस्टेंट आपके डिवाइस में देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप उम्मीद करता हूं आपको गेम असिस्टेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने पूरी प्रोवाइड करवा दी है। तो आई होप आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करते मिल जाए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।